Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. इंटरनेशनल सेल्वेज लॉ के मुताबिक अगर कोई कप्तान किसी शिप को रेस्क्यू करता है तो उसे उस जहाज की कीमत के मुताबिक इनाम दिया जाता है। लिहाजा डे ग्रेटिया के कप्तान ने मैरी सेलेस को अपने साथ जिब्राल्टर ले जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर कानूनी कार्रवाई होने तक अथॉरिटीज ने मैरी सेलेस को अपने कब्जे में रखा, मगर ये मामला दिन ब दिन उलझता ही चला गया। एक लंबे अरसे तक चलने वाली छानबीन बिना किसी नतीजे के बंद कर दी गई। इस पहेली को सुलझाने के लिए इंतजामिया को कोई सुराग नहीं मिल सका। जब कोर्ट की जानिब से कोई हतमी फैसला ना आया तो लोगों ने मैरी सेलेस के बारे में मनगढ़ंत कहानियां फैलाना शुरू कर दीं। कोई कहता कि कोई आसमानी मखलूक जहाज के अमले को ले उड़ी, तो कोई कहता कि एक समंदरी बला जहाज के अमले को निगल गई। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि डे ग्रेटिया के कप्तान गद्दार थे। उन्होंने खुद सेल्वेज लॉ के इनाम की लालच में मैरी सेलेस पर हमला किया और ये सारा ड्रामा पेश किया। लेकिन अगर ऐसा होता तो शिप पर कहीं तो खून खराबे के निशानात मिलते। एक राय ये भी दी जाने लगी कि जहाज पर मौजूद 1,700 एथेनॉल के बैरल्स में से 9 बैरल्स खाली मिले थे, तो हो सकता है कि इनमें आग लग गई हो और सब लोग अपनी जान बचाकर वहां से फरार हो गए हों। लेकिन इस कहानी में भी वजन इसलिए नहीं था क्योंकि जहाज पर आतिश जदगी का कोई सबूत नहीं मिला था, और अगर एथेनॉल बैरल्स में सच में आग लग गई होती तो पूरा सफीना मिनटों में राख का ढेर बन गया होता, क्योंकि एथेनॉल में लगी आग को बीच समंदर बुझाना या उस पर काबू पाना नामुमकिन था। मगर एक थ्योरी मौजूद है जिस पर अक्सर लोग इत्तेफाक करते हैं। एन मुमकिन है कि मैरी सेलेस किसी तूफान की लपेट में आ गई होगी और इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी भरना शुरू हो गया होगा। ये देखकर यकीनन कैप्टन बेंजामिन ने शिप को इवैक्यूएट करने का हुक्म दिया होगा, मगर उनकी लाइफ बोट्स तेज लहरों का मुकाबला करने में नाकाम रही होंगी। इस हादसे को 150 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, मगर आज भी कोई ये बात सबूत के साथ नहीं बता सकता कि आखिर उस दिन मैरी सेलेस द गोस्ट शिप के साथ हुआ क्या था। ये राज कैप्टन बेंजामिन और उनके साथ सफर पर निकले अमले के साथ बीच समंदर ही शायद कहीं दफन हो गया है। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी रोज एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।